ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं एक वास्तु टिप्स, बतला रहे हैं आपको वास्तु के अनुसार घर में बने पूजा घर में क्या क्या गलतियां हम सबको नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर घर में भगवान की मंदिर जरूर होता है। मंदिर चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसका वास्तु के अनुसार ही होना शुभ माना जाता है। घर के मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों, जिनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। वास्तु शास्त्र में बताई गई कुछ बातों का ध्यान ना रखने पर भगवान की कृपा घर परिवार को नहीं मिल पाती। आज हम आपको अपने इस वीडियो में वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बने भगवान की मंदिर से जुड़ा कुछ ऐसे वास्तु टिप्स बतलाने जा रहे हैं, जिसे अपना कर आप भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। पहले टिप्स है दोस्तों, घर में मंदिर के ऊपर या आसपास बाथरूम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किचन में बना मंदिर भी वास्तु में सही नहीं माना जाता, इससे बचना चाहिए। दूसरी टिप्स है, एक घर में अलग अलग पूजा घर बनाने के बजाय मिलजुल कर एक ही मंदिर बनवाएं। एक घर में कई मंदिर होने पर वहाँ के सदस्यों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीसरी टिप्स है दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में बना भगवान का मंदिर पश्चिम या दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, इससे वहाँ के लोगों पर अशुभ असर पड़ता है। पूजा घर पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। इन दिशाओं में मंदिर होने पर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगली टिप्स है दोस्तों, घर में बने पूजा घर में भगवान की मूर्तियों को कम से कम एक दूसरे से एक इंच की दूरी पर रखना चाहिए। अगर घर में एक भगवान की दो तस्वीरें हों, तो दोनों को आमने सामने बिल्कुल ना रखें। ऐसा करने से आपसी तनाव बढ़ता है। वास्तु के अनुसार अगली टिप्स है दोस्तों, घर में मंदिर को लेकर खास तौर पर ध्यान रखें। सोते समय घर के किसी भी सदस्य के पैर मंदिर की ओर ना हो। मंदिर या भगवान की ओर पैर करके सोना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। तो ये था दोस्तों, घर में बने भगवान के मंदिर से जुड़ा कुछ वास्तु टिप्स, जिसे आप अपना कर भगवान की कृपा दृष्टि के पात्र बन सकते हैं। और दोस्तों, चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसलिए जिंदगी में मिले वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखें। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके ये ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।